So we're all gathered here today to have a darshan with Paramahansa Vishwanatha. It's a little blessing where he looks into our eyes and purifies our soul. तो देखिए मुझे ना पूरे अच्छे तरीके से नहीं पता है और आधा अधूरा जानकारी देना बहुत घातक है, इसलिए हम भाई का हेल्प लेंगे कि आज मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ और आज क्या होने वाला है। तो गुरु जी विराजमान होंगे, वो कुछ उनके साथ भजन गाएंगे, वो एक सत्संग देगा और हम वो दर्शन देगा, वो दर्शन देंगे देंगे तो वो ये थे समर संगम में, तो सर भी थे हमारे साथ और मैं तो ढोलक है, तो ढोलक जहाँ पे होता है वहाँ पे मैं होता ही हूँ, तो आज मैं ये बताऊंगा गुरुजी के सामने। तो जैसे मैं बता रहा था आपको वैसे ये कि गुरुजी आज आएंगे, दर्शन देंगे सबको और मैं भी समर संगम में ज्वाइन था, तो शायद मैं ढोलक बजाऊंगा क्योंकि ढोलक मेरा प्रिय है, प्रिय इंस्ट्रूमेंट, प्रिय वादन यंत्र, तो मैं उसको बजाऊंगा गुरुजी के सामने। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये जो था मुझे गुरुजी से मिला था, ठीक है, और जस्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है और उन्होंने मुझे दे दिया। ओह ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। और क्या था आज क्या क्या होगा वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप देख रहे हैं मैंने डे 9 के बाद ना अलग ही टाइटल डाला, डे 10 नहीं डाला क्योंकि मैं ना समर संगम में ज्वाइंट रहता हूँ तो ना वो टाइम ही नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने का, और कंटेंट मिलेगा क्या अगर मोबाइल ही नहीं चला सकते समर संगम में, तो मोबाइल को एक साइड में रखना होता है और जो वो बता रहे होते हैं प्रभु जी सब उसको ध्यान से सुनना होता है, तो इसलिए मैं डे 10 का ब्लॉग डाला नहीं, और अभी जो अच्छा मिलेगा मेरे को वैसे रिकॉर्ड करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो आज का यही था अच्छा टॉपिक, इसलिए आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। तो अभी क्या हुआ कि ना हम लोग खाना खा रहे थे और कृष्णा लॉन्च बोलते हैं इसको, तो इसमें अच्छे खासे तादाद में लोग थे और वो डायरेक्ट भागे, तो मैं बोला कि भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो अभी जो गुरुजी हैं हमारे, ठीक है, तो सबका रूम जा जा के चेक कर रहे हैं कि वो घिना तो नहीं रहे, मतलब साफ तो है ना, तो वही देखो सब लोग पूरा एरिया खाली हो गया यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा था कि ना कि 4 बजे दर्शन गुरुजी का स्टार्ट हुआ था और कीर्तन भजन हो रहा था और गुरुजी हमें सिखा रहे थे, मतलब जो सत्संग होता है वो हमें बता रहे थे, तो करते 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 9 बज गया, 9:30 बज गया, तो 9:30 बजे के बाद हमने खाना खाया, उसके बाद हम सीधे नीचे जाते हैं। कुछ जो बच्चे होते हैं उनको ना मृदंगा सीखने का ना बहुत ज़्यादा ही मन होता है, ठीक है, मृदंगा सीखते हैं, ढोलक सीखते हैं, तबला सीखते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नीचे पड़ा रहता है, तो जैसे ही एक को सिखाऊंगा ना मैं तो 5 लोग अपने आप आ जाते हैं, अपने आप सुनते सुनते अरे कहीं पे कुछ बज रहा है कहीं पे कुछ बज रहा है, तो अपने आप वो आ जाते हैं। तो अभी कितना बज रहा है आपको बता दूँ, 12:35 हो रहा है। 9:30 बजे के बाद जैसे मैंने 11 बजे सिखाना चालू किया तो अभी 12:35 बज रहा है और अभी मेरे को मम्मी डांटने वाली है अगर मैं घर में नहीं गया, तो अभी मैं जस्ट जा रहा हूँ, इस ब्लॉग को एडिट करूँगा, ठीक है, और अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। The next day. Last word for my vlogs. Oh my god. Thank you so much. It was so nice to meet you. You have an amazing voice by the way and all your family is so talented. So I'm really glad I met you. And I hope we'll see each other next year maybe. You come to Summer Sangha next year? Yes. Yeah, perfect. Bye. तो अभी क्या है कि समर संगा का लास्ट डे था। और ये हमें जो फ्रांस सिखा रही थी, फ्रेंच सिखा रही थी, वो अभी जा रही हैं, ठीक है। तो देखिए आज थोड़ा सा सनी डे है, ठीक है, तो सूरज वूरज अच्छे से निकला हुआ है और पापा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से बाहर निकला और यहाँ पे मैंने बैगेज देखा कि इतना सारा डला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और सब लोग जाने में और सब लोग तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रोते हैं ना कि क्या बताएं, सबके आँखों में पानी ही नज़र आता है, ढप 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 गिरता रहेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस इंजॉय कर रहा हूँ बैठ के, आगे से कोई रोता है तो, ठीक है। अरे अरे तो ना यहाँ पे क्या है देखो,
मैं बस यहाँ पे खड़ा था, मैंने नोटिस नहीं किया था, अभी मैंने नोटिस किया था। कैन वी गो? ओके। अरे भाई, 12 आवर्स ड्राइव, या 5 पीपल। ओ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, देख ले। What is happening here? I don't know. But with Bhakti, good. Is possible. Yours is possible. With Guru's grace, everything is possible. Yes! Bhai, you drive? No, he drives. So you also going? Yeah. Really? Yeah, I go now. I told him yesterday. पहले लगता था कि ये लड़की, इससे मैं बात ही नहीं करता था, पता चला बात जाके कि लड़का है ये, ठीक है। एंड नाउ वी आर ब्रदर्स। उश, ओह माय गॉड, आई विल मिस यू ब्रदर। यू विल नॉट मिस मी, आई थिंक। यू हैव टू मिस मी। आई एम रेसलिंग एंड द रेड हैंड गेम के साथ खेला था भाई, इसने दाग दिया था मेरे को कसम से। बोल याओ, बोल बोल बोल, फाइट फाइट प्लीज, फाइट फाइट, आई लव एंजॉय, नो फाइट, नो फाइट, नो, आई नेवर सीन अ पीकॉक फाइट, बिकॉज नो, बिकॉज यू डोंट सी देम फाइट। हां वी फाइट हियर, नो, आश्रम है भैया, कर लो फाइट प्लीज। No. So, यहाँ पे दीदी है हमारी, ठीक है, और वहाँ पे अपने इंडियन भाई। हाँ बोलो इंडियन भाई, भाई पागल हो क्या? भाग लो, मैं पागल हूँ। यू नो यू आर, व्हाट यू से, यू आर मैड। आई टोल्ड हिम दैट ही इज मैड। नहीं, अरे वो हम मेरी बात का बुरा ही नहीं मानता, क्या बताओ, मैं इतना बेइज्जती किया उसको, कभी बुरा नहीं मानता, इसलिए तो हम लोग भाई भाई हैं। तो हम लोग वॉक करते करते आए थे गाय को देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इतना क्लोज हमें हॉर्स दिख गया, तो बस इसको छुएंगे। आजा 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 आजा, कम, ये खोल रही थी ये, नो ये अभी खोल देती ना, अभी सीधे आ जाता मेरे मुंह के पास। कितना माछी भिन भिन आ रहा है भाई, कितना ज्यादा माछी भिन भिन आ रहा है। ये रोज मीनिंग ऑफ माछी भिन भिन आना, देर आर वेरी फ्लाइज एंड इज लाइक, ओह माय गॉड, देखिए खुद भी इरिटेट हो गया पूरा। तो ये दो पीकॉक को देख रहे हैं आप, ये जो दो हैं यहाँ पे। तो दीदी जब गा रही थी ना श्री विठला गिरधारी, मतलब आपको सुनने को मिलेगा जल्द यूट्यूब चैनल पे, वो हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे थे। तो दो मोर क्या किए, यहाँ पे आ गए और चिल्लाने लगे और पंख फड़फड़ाने लगे और सो गए यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए, फिर जाके चले गए।